नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए जो पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक किए हैं और कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रांची के जो मेन जो टेक्निकल कोचिंग जहां पे है उसके बारे में बताने वाला हूं कि वो कोचिंग कैसा है, कहां पे है और कैसा वहाँ पर पढ़ाई होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जो वैकेंसी आता है उसका तैयारी करते हैं, ये वीडियो तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला जो कोचिंग है वो है दोस्तों इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों बहुत ही फेमस कोचिंग है, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है वो तो इस कोचिंग को जरूर ही जानते होंगे। दोस्तों इसका अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये है दोस्तों सर्कुलर रोड लालपुर में सर्कुलर रोड में श्री साई टावर पर ये स्थित है 5th फ्लोर में। दोस्तों बहुत ही विश्वसनीय कोचिंग है, बहुत ही अच्छा कोचिंग है। जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं मैक्सिमम वे इंजीनियर्स एकेडमी को ही चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। आपको जिस तरह से यहाँ पे गाइड किया जाता है बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है और जितना फैसिलिटी है एक बार एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इसका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है एक्सिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसका अगर लोकेशन की बात करें तो ये है कचहरी चौक के पास जिप्टी पाड़ा में, मतलब आपको कचहरी चौक के पास जाना पड़ेगा तो ये कोचिंग आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी आप अच्छे से टेक्निकल का पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि RRB JEE हो गया, SSC JEE हो गया या फिर JSSC JEE होगा, सबका यहाँ पे तैयारी किया जाता है। ये जितना भी JEE का है उसका तैयारी यहाँ पर भी किया जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं। आपको जहाँ सूटेबल लगे, आपका जहाँ सामने हो वहाँ पर आप ले सकते हैं एडमिशन। दोस्तों जो तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। दोस्तों इसका अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पेंटालंस मॉल के सामने यानी कि नेहरा टोली में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे अभी आप जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी तो होता है, साथ साथ आप सेमेस्टर का भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनका सेमेस्टर का या फिर बीटेक कर रहे हैं उनका सेमेस्टर का एग्जाम का भी यहाँ पर तैयारी होता है। दोस्तों अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है परफेक्ट ट्यूटोरियल। दोस्तों बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आप कंपिटेटिव एग्जाम JEE हो गया, AE हो गया, GATE का सबका तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली जो फिक्स है वो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर और इलेक्ट्रिकल का बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका अगर है तो आप कर सकते हैं, प्लस मैकेनिकल का भी यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसका यहाँ भी तैयारी किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको 4 ऐसे इंस्टीट्यूट बताया जहाँ पे आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप रांची में टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन सारे कोचिंग संस्थान में आप जा सकते हैं और सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इन इंस्टीट्यूट के अलावा आप ऑनलाइन तरीके से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टेक्निकल का होता है उसे आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि निम्बस लर्निंग या फिर आप वाईफाई स्टडी भी करवाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन कोचिंग में जाने से पहले आप एक बार डेमो क्लास जरूर कीजिएगा। 2 दिन या 3 दिन आप जाके देखिए क्लास में कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ऐसा हो रहा है कि वहाँ समझ ही नहीं आ रहा है तो आपको फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे इंजीनियर्स एकेडमी बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं और दोस्तों मान लिया आपको आप भी गए हैं, आप सबसे पीछे बैठे हैं, आप तो समझ ही नहीं आ रहा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तभी तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाइएगा, इस सब का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप पास आउट हो जाइए उसके बाद आप तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको 2 या 3 साल लग जाएगा, मतलब 2 या 3 साल आपका फिर लग जाएगा। तो 2-3 साल में क्या पता वैकेंसी सही से ना आए, ऐसा भी प्रॉब्लम होते रहता है दोस्तों, इसलिए देखते हैं कि आप लोग इंजीनियर स्टूडेंट बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से वैकेंसी भी नहीं आता है, सही टाइम पे नहीं आएगा, फिर आपका मन भी मतलब पढ़ाई से अगर हट गया तो फिर आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं ला पाइएगा, फिर अच्छे से पढ़ भी नहीं पाइएगा। इसलिए दोस्तों अभी आप सेमेस्टर में आए तो यहीं से तैयारी कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना वही सब हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जैसे सोम हो गया, टॉम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सारा चीज़ फ्लूड हो गया। इसलिए दोस्तों आप इसी सब तैयारी कीजिए, अभी से आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप अभी समझ में आपको नहीं आ रहा सेमेस्टर में तो आप कोचिंग कीजिए, क्योंकि अभी आपका बेसिक अगर मजबूत हो गया डिप्लोमा का तो दोस्तों आप वहाँ पर जब JEE का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई हार्ड नहीं होगा। वैसे ही बीटेक वाला के लिए भी है, बीटेक का सेमेस्टर में आपको जो भी सब्जेक्ट होता है उसे आप सही से पढ़िए समझिए ताकि आपको जब एग्जाम देने जाइए कंपटीशन का तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आप पास आउट हो चुके हैं और पास आउट होने के बाद आपका 2 या 3 साल हो चुका है फिर भी आपको जॉब नहीं मिला है तो दोस्तों आप सरकारी एग्जाम का तैयारी कीजिए ही, साथ ही साथ आप प्राइवेट भी काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट में काम करना ज़रूरी इसलिए पड़ जा रहा है क्योंकि आपको फिर पैसा का भी दिक्कत होता है, प्लस आपको ऐसा गारंटी नहीं है ना कि आपको सरकारी जॉब मिल ही जाएगा,
ये भी तो एक दिक्कत होता है ना। इसलिए आप मान लें आप मैकेनिकल ब्रांच है आपका, तो मैकेनिकल में आप मैकेनिक के रिलेटेड काम कर सकते हैं, कहीं शोरूम में काम कर सकते हैं, किसी गैरेज में काम कर सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं। ये मत देखिए कि आपको सरकारी एग्जाम ही चाहिए, सरकारी जॉब ही चाहिए, आपको जो मिलता है अभी कमाई, क्योंकि आपको पैसा ही तो कमाना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपका ब्रांच सिविल है तो आप कंस्ट्रक्शन वाले प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं, जहाँ बिल्डिंग का काम होता है वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए तो इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल जॉब प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट वाले, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। इन दोस्तों ऐसा आप कीजिए, क्योंकि घर बैठे रहना से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा ना, जो आपका जो स्किल है ना वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपको काम तो सीखने में आ जाएगा, बाद में आप प्राइवेट में या खुद का आप कंपनी भी खोल सकते हैं, खुद भी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं इस क्षेत्र में। इसलिए दोस्तों ये सब सोचिए, क्योंकि आप सिर्फ सरकारी जॉब के भरोसे रहना अच्छा बात नहीं है। और दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड का कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या हालत चल रहा है झारखंड का। दोस्तों इसमें ऐसा होना है कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का जैसा हो गया। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा देखिए, समझिए, अपना जो स्किल है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उस क्षेत्र में काम कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। मान लीजिए आपको जॉब ना भी मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक जॉब के भरोसे आप रह जाइएगा फिर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा तो बहुत ही बुरा बात है। इसलिए दोस्तों अपने स्किल को बढ़ाने में ध्यान दीजिए। दोस्तों आप प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका कोई भी राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपका कुछ भी विचार है तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम में मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।